नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाटा कॉफी के रिजल्ट्स का जो अभी आए हैं। तो हम देखेंगे इनके रिजल्ट्स कैसे रहे और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम टाटा कॉफी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इनकी देखिए मीटिंग खत्म हुई है 2 से 6 बजे तक और उसके बाद इनके रिजल्ट्स आए, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। ये डायरेक्ट मैंने बीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। डिविडेंड की कोई न्यूज मुझे दिख नहीं रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। आइए दोस्तों, सारे फिगर्स लैक्स में है, तो आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। 20,000 लैक्स से 19,900 लैक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो यहां पे कोई ग्रोथ देखने को हमें खास मिल नहीं रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी कोई ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी ने ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ दिखाई है और ना ही वाईओवाई कोई ग्रोथ दिखाई है। एक्सपेंसेस भी मोर और लॉस वही है। प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे तो इनकी कम हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो ये दोस्तों इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है और हाई चांस है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इनके स्टैंडअलोन रिजल्ट तो अच्छे नहीं रहे, बाकी इक्विटी लाइबिलिटी ये सारी डिटेल्स इन्होंने बताया है कि और कैश फ्लोज और कंपनी के बारे में। तो यहां पे देखिए दोस्तों, रिजल्ट अच्छे उनके नहीं रहे हैं। कंसोलिडेटेड को अगर मैं देखूं दोस्तों, तो मोर और लेस जो चीजें हमें स्टैंड अलोन में देखने को मिल रही थी वैसे ही देखने को मिल रही है। कोई ग्रोथ नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कोई ग्रोथ नहीं है। बस एक चीज है कि इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में इनकी प्रॉफिट्स थोड़ी सी अच्छी हुई है, 5300 लाख की हुई है, जबकि ईयर ऑन ईयर ये करीब 4800 लाख की थी और लास्ट क्वार्टर में 4600 लाख की थी, उसके पहले 4200 लाख की थी। तो इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स थोड़े से बेटर है स्टैंडअलोन के कंपैरिजन में, बट अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्टॉक यहां से थोड़ी सी गिरावट दे सकता है, क्योंकि रिसेंट में इसने काफी अच्छी आप कह सकते हैं कि जंप लगाई है। तो आइए एक बार हम इसको चार्ट बेसिस पे एनालाइज कर लेते हैं साथ में। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अपने एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है। यहां पे ये देखिए स्टॉक का ये है ब्रेकआउट लेवल, ये देखिए 240 के ऊपर अगर ये स्टॉक गया तो इसमें बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आपको कब खरीदना है इसे? केवल 240 के ऊपर, और उसमें फायदा क्या होगा? अगर 240 के ऊपर गया तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये एनालिस्ट को पसंद आया, तो काफी सेम इंपैक्ट होगी। और स्टॉप लॉस आप जो लगाएंगे दोस्तों, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है इस केस में वो यहां पर लगाना रहेगा, ऑलमोस्ट यहां पे 240 के ऊपर खरीदे ये, तो 225 पर स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स आप इसमें इजीली 250 से 270 तक के देख सकते हैं। बट डू नॉट बाय इफ रिमेंस बिलो 240, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप ये मत सोचिए कि कल स्टॉक 1% गिर गया तो हमें सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट बेस्ड थीम पे चल सकता है, तो आप बहुत कॉशियस होकर इसमें पोजिशन बनाइएगा। अगर आपको लगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है रिजल्ट का, केवल तभी पोजीशन बनाइएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से पेज है हमारा। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।